हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिमाचली कपल। तो आज जो है हम लोग एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे जो है कैंपिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है हमारे साथ एक भाई हैं जो कि हमारे साथ कैंप कर रहे हैं। आप लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस में उनको देखा ही होगा, बल्कि इस कश्मीर सीरीज़ में हमारे साथ हैं और उत्तराखंड की सीरीज़ में भी हमारे साथ थे और एक पहले चंबा वाली सीरीज़ की उसमें भी हमारे साथ थे। तो आज जो है ये वीडियो जो है यहाँ पर कैंप वगैरह जो हम कर रहे हैं वो उसके बारे में नहीं है, ये थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है। तो आज जो है हम आप लोगों को बताएंगे कि जो भाई की गाड़ी है ग्रैंड i10, उसमें जो है भाई ने एक कैंपिंग सेटअप बनाया है, मतलब सोने का सेटअप और कुकिंग सेटअप, जो कि बहुत बढ़िया है और हमारी ऑल्टो गाड़ी से थोड़ा सा बेटर है। मतलब अगर आपके पास ऑल्टो से थोड़ी सी ऊपर की गाड़ी है तो बहुत बढ़िया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए आपको मिलाते हैं हमारे मुकेश आहूजा भाई से। तो ये देखिए, ये खड़ी है गाड़ी ग्रैंड i10 और मिली हमारे भाई साहब से। हेलो फ्रेंड्स। तो मुकेश आहूजा और चैनल का नाम ट्रैवल कुकी, और चैनल का नाम जो है ना गाड़ियों में लिखा ही रहता है, आप लोग देख सकते हो, और बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक चैनल का। तो जाके सब्सक्राइब करना और देख लेना भाई का जो भी सेटअप है वो अच्छी तरह से, तो इन्होंने बता रखा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक वीडियो जो है बता रखा है। हाँ, फिर एक बार दोबारा से कर रहे हैं, बाकी जो जर्नी करते हैं हाँ वो भी तो देखने को, एक मॉडिफिकेशन भी करवाई है थोड़ी सी और भी किया है कुछ इसमें। जी जी, तो आने वाले टाइम में और भी बहुत कुछ होता रहेगा, पर फिलहाल के लिए हम आपको जो हमारे पास सेटअप तैयार है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने डिक्की से, गाड़ी की डिक्की खोलेंगे हम और यहाँ से शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपनी डिक्की ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद सबसे पहले हमने अपना एक ये बेस बनाया है किचन के लिए। अच्छा, ये मतलब यहाँ पर कटिंग चॉपिंग, कटिंग चॉपिंग एंड कुकिंग। हाँ जी, ठीक है, सब यहाँ हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद हम कर देंगे अपनी गाड़ी की सीट फोल्ड, जैसे आप देखोगे इधर से। अच्छा, ये जो है ये सीट भाई ने इधर से सीट फोल्ड हमने करनी है अभी। वैसे हमने इस सीट में जो नीचे वाली सीट होती है वो तो निकाल दी, हमने घर में ही निकाल दी है, सिर्फ वही एक सीट निकालनी पड़ेगी और कोई भी सीट निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये जो भाई सीट निकलती है ये सीधी निकल जाती है ना, सीधी लॉक सिस्टम है यहाँ से। अच्छा, तो ये दो लॉक खुलेंगे और ऐसे ही पैक हो जाती है। ठीक है, तो दूसरी सीट का हमने यहाँ से जैसे लॉक होता है, ये सब गाड़ियों में ऐसे ही होता है, तो ये हो जाता है। ये तो हमने वैसे रखा हुआ है साथ में नीचे कि हमारे पास जगह बच जाएगी। चलो कर दो डाउन। तो हमने ये सीट ऐसे कर देनी है डाउन। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम सबसे पहले अपना ले लेंगे एक पीस। ये कुछ वाला भाई ने जो है ये बोर्ड के बनाए हुए ना, ये बोर्ड के पीस बने हुए हैं, उसके ऊपर लगाया हुआ ये कपड़ा। हाँ जी हाँ जी, ये कहाँ से मतलब कहाँ मिल जाता है? ये जो आपका एक्सेसरी वाली शॉप्स होती हैं, कार एक्सेसरी वाली, तो उसके पास ये कंबल के नाम से मिलता है, गाड़ियों का कंबल। जी ठीक है जी, ये फ्लोर मैट भी कह देते हैं, लेकिन ये फ्लोर मैट नहीं है, ये फ्लोर पे कंबल लगता है जो स्पीकरों के ऊपर भी मोस्टली होता है, तो वो यही चीज है। तो गाइस देख सकते हो, इसको हम ले आएंगे यहाँ पे, इसके साथ हम अटैच कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम एक और अटैचमेंट रखेंगे अपनी, ये अटैचमेंट हमारी यहाँ आ जाएगी, क्योंकि मेरी लंबाई जो है वो करीब 6'2" है, सिर्फ 6 फीट से ज्यादा है, तो इसलिए मुझे ये सीट घुमानी पड़ती है उल्टी। ये दो नट पे रखता हूँ मैं सीट को, जब इसको वैसे करते हैं नॉर्मल में तो दो नट लगा दिए जाते हैं, और जब नॉर्मल से हटाते हैं तो दो नट खोल के, इसमें कोई एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नहीं किया आपने, बस उसको खोल के उल्टा कर दिया है ना। सिर्फ नया जी हमने ये बॉक्स, अच्छा, इससे हमारा ये बराबर हो जाता है और साथ में हमारा जो है ऊंची भी हो जाती है यहाँ। ये सीट के ऊपर रख दिया भाई ने लगभग 3-4 इंच का ही है। हाँ, अपने सिर्फ पीस बने हैं 1, 2 और एक ये 3। 3 इसको हम लगाएंगे उस साइड दूसरी तरफ में। तो हमने ये फोल्डिंग में बनाया, इसको हम ऐसे कर लेंगे यहाँ पे। लो जी, बैड हो गया। तो ये हो जाएगा जी हमारा अटैचमेंट यहाँ पे। और अब एक क्वेश्चन है भाई, अगर इसमें जैसे मेरी हाइट का बंदा हो तो उसको सीट घुमाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, उसको सीट घुमाने की क्योंकि सीट काफी आगे जाएगी। हाँ, अभी तो उनके लिए अटैचमेंट एक और यहाँ तक बनेगी बस, जैसे हाँ इतना होगा और सीट आगे हो जाएगी, तो ये पीछे पूरा जो है खाली हो जाएगा। तो ये तो भाई ने बना दिया, इधर बेड बना दिया। तो बेड जो बना ये वाला आपको अभी समझ नहीं आया होगा कि ये क्या है, तो चलिए भाई ये वाला हिस्सा दिखा दो आप एक बार, पीछे से दिखाएं। हाँ पीछे से दिखाएंगे। चलो, ये तो आगे सीट वाले, सीट के ऊपर जो सिस्टम था वो था जी। बाकी ये देखो भाई, असली खजाना है यहाँ पर। ये हमने बॉक्स बनाया है जी, ये करीब 40x19 का बॉक्स है। अच्छा, और 6 इंच इसकी ऊंचाई है। 40 ऐसे, हाँ जी 19 ऐसे, और 6 इंच ऊंचा। ठीक है, इसमें मतलब 6 इंच का सामान आ जाएगा अंदर सब जी। बिल्कुल, ये देखिए हमने इसमें आटा भी रखा हुआ है, चावल भी रखा हुआ है। अच्छा, ये चाय पत्ती चीनी है, अचार है। हाइट का आइडिया आप ऐसे लगा सकते हो, किसी ये चीज से चॉपर है, ये आ चुका है बढ़िया। हमने जैसे अचार की शीशी रखी है, थोड़ी बड़ी है। हाँ ये भी आ गई है। ठीक है, ये देखो, तो ये अपना
गैस स्टोव, गैस स्टोव हाँ ये भी आ गया, ठीक है, बर्तन भी आ जाते हैं इसमें जी, और अपना खाने का ग्रोसरी का आइटम जी, नूडल्स वगैरह, चम्मच वगैरह, ऐसे सब आवाज भी नहीं करेंगे ना इसमें, बिल्कुल आवाज नहीं करेंगे। और उसके बाद अपना ये बंद हो जाता है जी यहाँ से, ये पतली प्लाई है ना जी, ये प्लाई लगी हुई है जी, पतले वाली। तो ये देखिए ये कुछ भाई का सेटअप है जो कि बहुत ही बढ़िया है, अगर कम हाइट वाला बंदा हो तो सीट घुमाने का भी पंगा नहीं आएगा ना। और अगर थोड़ी सी हाइट लंबी हो, भाई जो है काफ़ी लंबे हैं, तो इसके हिसाब से ही मैंने अपना जो है गद्दा भी बनाया, अपने आप बनाया मैंने, बनाया तो बाजार से लिया था लेकिन उसको मॉडिफाई भी किया है थोड़ा सा, क्योंकि इसके हिसाब से मुझे बनाना पड़ा। अब भाई ये मेरे को एक चीज़ समझाना इधर जी, ये कैसे लगा हुआ है? ये हमने अंदर एक प्लाईवुड का पीस फिक्स किया है गाड़ी के साथ में, ये गाड़ी के साथ में हमने किया नट लगा के, अच्छा सिंगल नट, ये हर गाड़ी में होता है नट की जगह, अच्छा। तो यहाँ पे सिंगल नट पे हमने एक लगा के, और इसके साथ हमने ये नट की जगह होती है पहले से? जी सब गाड़ियों में होती है ये, अच्छा ठीक है, तो उसके बाद हमने ये लगा दिए हैं, ठीक है ठीक है, ये बेस्ट है, देखो ये किचन सेटअप है भाई का, ये अंदर फोल्ड हो जाता है जी, अच्छा ये चलती बार ऐसे हो जाएगा जी, ऐसे खड़ा रहता है ये, हाँ सामान के ऐसे रखना है, ऐसे रख लो आप, मतलब यहाँ से सामान निकालो कुकिंग का और उधर बना लो, हाँ इधर बना लो, सही ऐसे इधर से निकालो, इधर बना, इधर से निकालो और इधर बना लो, जैसे हमने कुछ भी रखना है, गैस स्टोव ही जलाना, तो यहाँ गैस स्टोव रखते रखते हैं हम, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। और दूसरी चीज हमने हवा का भी इंतजाम कर रखा है, ये हमने पॉइंट लगा रखे हैं, इन पॉइंटों के अंदर हम गत्ता फंसाने के लिए कार्डबोर्ड फंसा सकते हैं, तो उससे हवा नहीं लगेगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमारा आ जाएगा जी गद्दे वाला सिस्टम, तो ये हमने कुछ गद्दा इस टाइप का बनाया हुआ, अरे वाह, हमने इसका एक साइड थोड़ा कम कर दिया, तो हम इसको अंदर ले जाएंगे, ये सिंगल शीट में है, मैंने इस पे तो ध्यान ही नहीं दिया भाई, ये फोल्डिंग है अपना, बहुत बढ़िया। तो वैसे तो भाई के साथ घूमते हो बहुत टाइम हो गया, लेकिन मेरे को पता नहीं था ये गद्दा एक पीस तो में है। दिन में जब हम गाड़ी चलाते हैं, जैसे ये सीट हम नहीं रख सकते ऐसे, हाँ। तो हम सीट को बिल्कुल ऐसे में ले आते हैं जी, और हम इस पीस को यहीं रहने देते हैं फोल्ड, इसके ऊपर सामान आ जाएगा, इसके ऊपर सारा सामान आ जाएगा, ठीक है। और रात को जब हमने सीट फोल्ड कर दिया, उधर से घुमा दी अपनी, तो उसके बाद हम इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे कर लेंगे, बहुत तो इसके ऊपर अपना चादर बिछ जाएगी और तकिया वगैरह बिछा के हम इधर अपना सामान रख सकते हैं जी। क्योंकि मैं सिंगल पर्सन हूँ, सोलो ट्रैवल करता हूँ, हाँ सिंगल पर्सन के लिए तो बहुत, तो इधर मेरा सारा सामान आ जाता है और इधर अपना सोने। तो ये देखो जी भाई ने बिछा दिया इसमें कंबल, चद्दर कंबल कुछ भी मान लो आप, सर्दी की वजह से, हाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है ना इधर, तो इसलिए भाई ये ले आए, गर्मियों में चद्दर ले जाते हैं। और उधर देखो भाई का पिल्लो लग गया है, तो अब दिखाते हैं आपको लेट के कैसा है, मतलब बंदा कंफर्टेबली सो सकता है या नहीं। तो चलो आना अंदर, आना तो एंट्री इजी है, एंट्री इजी है देखो, हाँ ये देखो 6 फुट से ज़्यादा हाइट है भाई की, फिर भी ग्रैंड आई टेन में देखो, देखो एंट्री जो है काफ़ी इजी है, कोई बड़ी डिफिकल्टी नहीं है। ये देखो ये सो गए भाई, और उधर यहाँ पर भी कम से कम आधा फीट जगह बच रही है, ये देखो काफ़ी जगह बच रही है, और उधर तो भाई का सर पूरा का पूरा उस पर आया है, बहुत बढ़िया। तो ये अपना सेटअप है, ये मतलब लॉन्ग हाइट वाले के लिए बेस्ट है, बेस्ट है, ठीक है। शॉर्ट हाइट आपके लिए तो फिर सीटों तक, हाँ हमें तो जरूरत ही नहीं है भाई इसको आगे करने और की। सबसे बड़ा जो इसमें काम था, हाँ जी वो था, देखो बाहर भाई इजीली निकल भी गई जी, बिल्कुल एक सेकंड में, और मैं बैठ सकता हूँ इसमें, हाँ बैठ भी सकते, अच्छा ऊपर भी नहीं टच होते, टच नहीं होता, अरे आप जैसा बंदा तो बिल्कुल नहीं टच हो, मेरे जैसा तो फिर भी थोड़ा बहुत, सही सही सही, लेकिन मैं इसमें खा भी सकता हूँ। एक उत्तराखंड की वीडियो के अंदर मैंने यहाँ बैठ के चिकन भी बनाया हुआ है, हाँ अंदर बैठ के, हम साथ में ही तो थे, हाँ हाँ अंदर बैठ के मैंने चिकन बनाया, हाँ, यहाँ पर बैठ के भाई ने इधर कुकिंग की है, हमने बैठ के कुकिंग की है, यहाँ पे बैठ के हमने चिकन बनाया था। चलो सही है, गाड़ी पीछे से थोड़ी डाउन होती है ना, हाँ, लेकिन इसकी जो ये है पीछे को है, तो बैठ के यहाँ बंदा बना सकते हैं, बैठ सकता हूँ, ये छत ये रही ऊपर, बारिश से भी मैं आराम से, बारिश से भी बचता हूँ, और खाना भी फर्स्ट क्लास बन जाता है ये, बाकी यहाँ पर जो है ना नीचे स्पेस बच जाता है, इनके नीचे, इनके नीचे जैसे हमारी गाड़ियों में नीचे स्पेस बचता है वैसे ही, तो यहाँ पर भाई अपने सामान वगैरह आराम से रख लेते हैं। इधर ये जो फ्रंट सीट है ये भी पूरी खाली रहती है, इसमें भी सामान आ जाता है, और मेरे ख्याल से यहाँ भी जगह होती होगी। अरे ये देखिए यहाँ पर भाई का 20 लीटर का पानी का कैंपर है, कैंपर तो नहीं क्या बोलते भाई इसको, बिसलेरी की बोतल ना, बिसलेरी का बड़ा बोतल, हाँ 20 लीटर का, देखो फिर भी इसके बावजूद भी जगह है, तो मतलब इसमें दो इसके बंदों पीछे का ही हमने सिलेंडर कैन रखे हुए अपने, अच्छा सिलेंडर कैन इसके पीछे, चलो बहुत बढ़िया। ये जगह भी हमारे पास खाली है, जैसे हम अपने शूज रखते हैं, अच्छा ये भी जगह खाली है, मतलब दो आदमी इसमें आराम से, क्योंकि हम ना मैं इधर ही सोता हूँ, हाँ जी, तो ये खिड़की मेरे को ज्यादा यूज करनी होती है यहाँ से जाना आना, तो यहाँ भी मैं शूज रखता हूँ, ठीक है, शूज रख के चप्पल पहनता हूँ, और चप्पल पहन के ऐसे रख लेता हूँ, सेटिंग हो जाती है। ये तो दोनों साइड में ऐसे ही है, अच्छी है जगह, लेकिन उस साइड हम सामान रखते हैं अपना, ठीक है, बैग वगैरह,
अब दिखाते हैं आपको जो भाई के पास सामान है वो कहाँ कहाँ रखते हैं। ये देखो ये रखा हुआ, ये हमने बाहर निकाला था वीडियो बनाने के लिए। तो भाई मेहनत लगती है वीडियो के लिए, आप लोग सब्सक्राइब कर देना भाई के चैनल को भी, हमारे चैनल को भी, और वीडियोस को लाइक भी कर दो। इसको हम यहाँ रख देंगे। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई को जो है आप मैसेज कर सकते हो इंस्टा पर भी और यूट्यूब पर भी, कमेंट वगैरह कर सकते हो। बाकी ये देखो ये बैग रख दिया। एक आदमी के लिए तो मेरे ख्याल खाली रहती है गाड़ी, ये कोई खास दिक्कत नहीं आती जी। दो होंगे तो भी इसमें हो जाएगा आराम से। हम फिर सिलेंडर रख देंगे साइड में। ये लो ये, और ये जो क्रिएटिविटी की है ना ये सिलेंडर रखने की, ये बहुत बढ़िया भाई ने खुद, इसे टकराएंगे भी नहीं और फटने का भी चांस थोड़ा कम रहता है। तो ये जैसे अपने कंबल हो गए सोने के, ठीक है, ये भी एक लाइन में आ गया सब कुछ, ये यहाँ जाएगा, ठीक है। और अब जो हमने ग्रोसरी आलू प्याज जो, हाँ वो तो आराम से, रॉ मटेरियल होता है हमारा वो यहाँ पे, जगह इसमें इतनी बची हुई है कि कुछ भी रख लो, और ये यहाँ रख लो आप इसको, बहुत जगह बची हुई है, ठीक है जी। और बाकी ये भी हम लगा देते हैं पीछे। हाँ इसके बाद भाई ये है वो सिस्टम जो हमने हवा रोकने के लिए लगाया हुआ है कुकिंग में जी। तो इसको हम इसको दिन में, रात को ये यहीं लगी रहती है, इसकी जरूरत नहीं उतारने की, क्योंकि सर उधर करते हैं तो पांव इसके नीचे आ जाते हैं, तो मुझे इसको खोलने की जरूरत नहीं। कुकिंग करते हुए भी कुछ सामान इधर है ना, कुछ भी एज अ सेल्फ, हाँ एज अ सेल्फ। तो कई बार यहाँ से मैं वीडियो बनाना होता तो मैं यहाँ पे अपना ट्राइपॉड लगा के वीडियो बनाता हूँ कुकिंग का, बढ़िया, क्योंकि मैं अकेला चलता हूँ आपको पता ही है, बहुत बढ़िया। तो ये है सब सिस्टम अपना। अब भाई को एक काम बचता है गाड़ी चलते वक्त, जैसे अब सेट होगी गाड़ी तो सिर्फ वो फट्टा पीछे फोल्ड होगा और सीट चेंज होगी, वो सीट घुमा दी जाएगी, घुमा दी जाएगी बस, वो अंदर ही अंदर घूम जाती है सीट, वो सब गाड़ियों की घूम जाती है। इस गाड़ी की कोई दो नट खोल के, दो चार नट होते हैं, दो नट पे रखो गाड़ी, अच्छा, हमेशा जब कैंपिंग पे जाना है तो दो नट घर रखा हो उसके, सही, दो बोल्ट और दो बोल्ट पे गाड़ी फिक्स रखो, उसको फुल टाइट नहीं करना है, मतलब हाथ से जितना हो सकता है, क्योंकि बैठना ही नहीं होता किसी ने, हाँ हाँ, तो वो तो सिर्फ एक भाई इधर उधर हिले ना, इसलिए लगाए होते हैं बोल्ट भी। तो चलो ये था कुछ अपना। और ये भाई के पास एक्स्ट्रा एक बैठने के लिए, और ये विंड, ये जो क्या बोलते हैं इनको, कर्टेन, हाँ ब्लैक कर्टेन लगाते हैं, ये ब्लैक कर्टेन गाड़ी पे दो, तो ये कहाँ से ऑनलाइन मिल जाते हैं ना, हाँ ये ऑनलाइन भी, ये तो बहुत मिल जाते हैं, मैंने अपनी कार एक्सेसरी शॉप से लिया वहीं से, ठीक है। तो ये भी हो गया, बाकी इतना ही है ना, हाँ बस इतना ही है बस। अब मतलब चलो घूमो फिरो जहाँ मर्जी। तो कुछ बोलना चाहोगे भाई अपने सब्सक्राइबर के लिए? अगर ऐसा है कि अगर कोई भी आए, सपोज करो देखना चाहता हो या बनवाना चाहता हो, या कोई किसी को मतलब मेजरमेंट चाहिए हो, हाँ हाँ, इस गाड़ी की स्पेशली ग्रैंड आई 10 की, ग्रैंड आई उस टाइप का कहिए, तो डीएम कर सकते हो आप मेरे को भी, और मेरा चैनल है ट्रैवल कुकी के नाम से, आप वहाँ जाके भी इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। तो वहाँ मैंने पूरे डायमेंशन के साथ इसको बनाया है और दिखाया है। मेरे ख्याल से जो दूसरी गाड़ियाँ हैं जैसे स्विफ्ट है, आई 10 है, तो उनमें भी बंदे थोड़ा सा इससे आइडिया ले सकते हैं, है ना? ये मोस्टली ऐसा ही होगा 90%। और मैंने अपनी वीडियो में एक बात बोली थी कि जो अल्टो का दिखाया था ना मैंने, जी जी। इसमें डिक्की जो है गहरी है, 6 इंच की जगह है ना आपके पास, 6 इंच में जो है किचन का सामान आ गया पूरा, तो मेरी गाड़ी में नहीं है, तो इस गाड़ी में है और स्विफ्ट में भी है, स्विफ्ट में भी है, काफी गाड़ियों में, वैगनार में भी है। तो अगर ये सब है ना, ये नीचे वाला सिस्टम, तो आपका जो खाना वगैरह का जो सामान है वो इधर आएगा, हम मेरी तरह बॉक्स नहीं रखने पड़ेंगे, बॉक्स नहीं रखने पड़ेंगे, हाँ ये फायदा है। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट बन चुका है कि आप किसी, कोई भी इसको ये नहीं बोल लगेगा कि ये कैंपर गाड़ी है, हाँ। कोई इसको रोक नहीं सकता, पता भी नहीं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको कोई रस्ते में कुछ नहीं बोलेगा, सही, आप आराम से सीट लगा के चलो। वैसे तो मैं नीचे वाली जो सीट घर निकाल के आता हूँ ना, वो भी मैं एक बार लेके आया था साथ, पर वो अकेला बंदा होगा तो रख सकते हैं, लेकिन वो झंझट थोड़ा सा ज्यादा। अगर आपको बढ़िया लगा हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और भाई को भी बूस्ट दें और मुझे भी बूस्ट दें। चलिए ठीक है, फिर यही थी हमारी वीडियो मेरी तरफ से भी, टाटा बाय बाय।